module 98 chapter consumer behavior and the properties of expenditure function that we are going to study here now the one property that we have to study that means that expenditure function is non decreasing in the prices actually this phenomena it has been derived again from the shephard lemma mean that expenditure function either it is dealing with the price p1 either it is dealing with price p2 whatever but it will not be the non decreasing the main concept behind this function is that at least at least the consumer has to purchase one item must if consumer is not going to purchase any item then he will not be able to incur certain expenditure तो वट एवर देयर विल बी द प्राइसेज कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर फंक्शन इट इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडिंग ऑफ द कंज़्यूमर सो द मेन असेंस हेयर इज़ दैट कि कंज्यूमर को चाहे वो एक शेय ख़रीदे चाहे दो या ज़्यादा लेकिन कम अज़ कम एक शेय ज़रूर खरीदनी होगी ताकि जब वो ख़रीद करेगा मार्किट की प्राइस अफेक्ट करेंगी उसको और उसका अखराजत जो उसकी इनकम है वो कन्वर्ट तभी एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होंगी और इसीलिए जब हम इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेफर्ड लेमा को ही हम इस्तेमाल करते हैं और उसके तहत हम फिर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि अगर वो किसी भी शेयर को ख़रीद नहीं करता जिसकी प्राइस कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है मुख्त्य अवत में तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं कर सकते सो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि वेन एवर देयर विल बी द इंक्रीज इन द प्राइस एक्सपेंडिचर फंक्शन इट विल इंक्रीज़ एंड वेन इट विल डिक्रीज़ इन द प्राइस एक्सपेंडिचर फंक्शन इट विल डिक्रीज बट रिलेटिड टू द प्राइस अगर हम इस पर देखें तो ये मिनिमम या जीरो पर उस वक्त तक हम इसको नहीं काउंट कर सकते जब तक कंज्यूमर कोई ना कोई शेयर खरीद कर रहा अगर हम इसको अब हम देखें मुख्तफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़ के हवाले से तो अगर हम देखें और हम अपनी एक जिसको एग्ज़ाम्पल को अगर हम सामने देखें तो अगर हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो मुख्तलिफ अशिया ख़रीदता है लेकिन अगर हम कहें कि उसने एक शेयर पोज परचेज़ करा है जिसको हम कहेंगे वो एक्स वन है जिसको हम एक्स पे कहें अब इसी एक्स वन की एक प्राइस जो है वो हमारे पास पहले जो आ रही है वो अगर हम कहें कि पी है एंड नाउ विद द चेंज अब जो नेक्स्ट प्राइस आ रही है वो हमारे पास आ गई है P प्राइम अब इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि इस P के ऊपर उसकी जो यूटिलिटी है वो भी उसके पास मौजूद है और उसको हम कहेंगे कि ये उसकी रिलेटेड यूटिलिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू अगर हम हिक्सियन पे कहें तो ये है पी इन टू जिसको हम कहें कि विद रिस्पेक्ट टू यू और अगर दूसरी हिक्सियन पे हम दूसरे पॉइंट पे हम उसकी देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पी प्राइम व्हेन द यूटिलिटी इज कांस्टेंट अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर हम देखें तो इनके रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर को हम देखें तो पहले पॉइंट पे अगर हम कहें कि देयर इज़ वन ई एक्सपेंडिचर फंक्शन है हमारे पास जो है पी और उसके साथ अगर हम देखें तो दैट इज़ रिलेटेड टू जो उसकी पहली यूटिलिटी के है और दैट इज़ इक्वल टू पी इंटू एक्स और जो सेकेंड एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास आएगा पी प्राइम एंड विद द गिवन यूटिलिटी एंड विद दिस इज़ द पी प्राइम इंटू एक्स अब अगर इन दोनों के दरमियान अगर हम एस्पेक्ट लगाएं तो चूंकि ये वाली प्राइस जिसको हमने कहा कि पी प्राइम डॉट एक्स अगर चूँकि P इज जिसको हमने यहाँ पे कहा कि P प्राइम इज ग्रेटर देन P, तो डेफिनेटली इट्स प्रोडक्ट विल बी हायर सो इट्स प्रोडक्ट विल बी आइदर इक्वल और वी कैन से अगर मिनिमम है तो हायर इक्वल टू द प्रीवियस पॉइंट अब इस ऑस्पेक्ट को देखते हुए अगर हम देखें तो ये फॉलो यही करता है कि जो उससे रिलेटेड क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा एक्सपेंडिचर ये है तो एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीजिंग। लाइक वाइज अगर ये पी प्राइम दूसरी सूरत हाल में हम कह लें कि पी प्राइम इफ लेस देन पी है तो जो हमारी यही वाला कंडीशन है तो हम कहेंगे कि पी प्राइम एक्स जो है ये ग्रेटर की बजाय ये लेस हो के पी डॉट एक्स हो जाएगा तो आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फॉर्म में इट असरटेन्स दैट The consumer has to purchase certain thing at least either one commodity and with the change in the prices the expenditure it will be if it will be price increasing expenditure will be increasing and if price will be decreasing respective expenditure function will be decreased. Thank you.